नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं महाराष्ट्र की कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र के नासिक में दत्त जयंती अखंड हरिनाम सप्ताह 16 धूमधाम से मनाया गया। वारकरी संप्रदाय में आनंद संप्रदाय के रूप में मान्यता श्री सच्चिदानंद केरोबा महाराज, सदगुरु दयानंद महाराज, श्री क्षेत्र सराद ब्रह्म मूर्ति जीव बाबा सतानंद महाराज, लक्ष्मण महाराज और अन्य संत महंत सामाजिक और साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में समाज के लिए ऐसी पवित्र बसा निस्वार्थ रूप से जारी रही है। खेड़ोपदी डोंगर दरे खोरे के सुदूर इलाकों और गुजरात राज्य में आत्म सुधार और विश्व शांति के लिए दिन रात महान कार्य भजन कीर्तन प्रवचनों और व्याख्यानों के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से स्वीकार करने के लिए आनंद संप्रदाय का प्रचार और प्रसार करने के लिए चल रहा है चल रहे काम ने हजारों परिवारों को नशा मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए खुश और संतुष्ट किया है। गुजरात और महाराष्ट्र में हजारों अनुयायी आध्यात्मिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आदिवासी सांस्कृतिक वैचारिक स्तर पर योगदान देकर समाज में कार्य कर रहे हैं। अखंड हरिनाम सप्ताह के अवसर पर बागलान के पूर्व विधायक संजय कांतिलाल चव्हाण और राकांपा बागलान तालुका के अध्यक्ष शैलेश सूर्यवंशी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और बटांबे के लोगों को आश्वासन दिया। साथ ही राजू बाबा गावित, जो खाना खिलाने वाले के रूप में जाने जाते हैं, और स्थानीय पुलिस के सरपंच पूर्व सरपंच सदस्य पाटिल भी शुभ अवसर पर भक्ति के साथ उपस्थित थे। इंडिया न्यूज 28 संवाददाता गोविंद ठाकरे की रिपोर्ट।